हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे? तो जैसा कि तुम्हें पता है भाई, पिछले 3-4 दिनों से इलेक्शंस हर तरफ इलेक्शंस चल रहे हैं। पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है भाई। बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही हैं। रात को सो कुछ होता है, सुबह उठो तो सब कुछ ही बदल जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस सब के अंदर मीम्स ना बने और मीम्स बने और हम रिव्यू ना करें। चलते हैं सीधा मीम्स की तरफ जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ है, और बहुत कुछ हुआ है। वीडियो ऑफ पीपीपीज सईद गनी परफॉर्मिंग नमाज ऑन स्टेज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन गोज वायरल। क्या भाई, वोट लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। क्या बात है जी, क्या बात है। एक्टिंग के बादशाह भाई। किसी ने कमेंट किया है कराची का जनाजा पड़ रहा है। तो भाई 2-3 दिन से इन दोनों पे तो इतनी ज्यादा मीम्स बन रही है जिनकी कोई हद नहीं है। दोनों सेम पार्टी में है, लेकिन दोनों की जो पर्सनैलिटी है भाई, टोटली भाई 180 डिग्री ऑपोजिट। यार ये बंदा, इसको आप देखो, ठीक है, इतना स्वीट, इतना नाइस, ठीक है। मतलब कैसे इमरान खान ने ये दोनों बंदे ढूंढे, मेरी समझ से बाहर है भाई। बात तो सही है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि PSL आ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही कूल प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप PSL देखते देखते पैसे भी कमा सकते हैं। पेरीपल्स पे आप अपने फेवरेट मैचेस पर प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हो, जैसा कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। सिर्फ अपनी फेवरेट टीम प्रेडिक्ट करनी है और पैसे कमाने हैं। पेरीपल्स पे आपको 40,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट या विदड्रॉ दोनों बहुत ही ज्यादा ईजी और स्मूथ है। आप अपने ईजी पैसा जैज कैश या अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो फिर देर किस बात किया, मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, उस पर अभी जाके क्लिक करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे आपको 40,000 तक का बोनस भी मिलेगा। आई डोंट थिंक के थॉमस शेल्बी पे इतनी वो मैच करती है जितनी वो जो उसका जो बड़ा भाई होता। Who needs Thomas Shelby when we have शेर अफजल मरवत? जैसे खूबसूरत लोग राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर फनकार भी हैं, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी चाहिए कि अगर जब आपका दिल चाहे तो आप फिल्मों में काम करें। ये यूं करके जरा खूबसूरती के साथ डांस होगा पहाड़ों में, कितना अच्छा लगेगा। आप खूबसूरत कह रहे हैं, आप माजरत के साथ गे तो नहीं है? नहीं, अच्छा बस ठीक है। बड़ी अदब और एहतराम से बात की, माजरत के साथ अब गे तो नहीं है। सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, मियां साहब आ गए तो किसी ने उनसे पूछा कहना मेरा कोड़ा हो जिन्हें सारे नोके लाया। देखो यार, देखो 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 मेरे पास। मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि चुस्त थी, जोक था, बट इतनी कोई हंस के तालियां बजाने वाली कोई बात नहीं थी वैसे आपस की। ये अब बात हमारे बस से बाहर है, खुदा की कसम उनका बैंड बजा देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त कोई वर्दी वाला मेरे नाम का ठप्पा लगा रहा होगा बैलेट पेपर पे। Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? स्क्रिप्ट वही है, बस राइटर चेंज होते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। नवाज शरीफ, ये सब ड्रामा तुम्हें मुल्क वापस लाने के लिए था। क्या अगर वाकई में ऐसा हो? मैं अपने रोने शुरू करता हूँ भाई। देखो, धांधली तो हर इलेक्शंस में ही होती है, और इस बार भी फर्क ये है कि इस बार लोग ज्यादा एजुकेटेड हो गए। पता किसी को नहीं होता था भाई क्या है क्या नहीं है। अब लोगों को पता है फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है, वोट की क्या अहमियत है। देखो, क्रेडिट तो देना पड़ेगा है, ये सारा कुछ अवाम को, एक ही पार्टी है, एक ही बंदा है जिसकी वजह से आया, इतना तो क्रेडिट देना पड़ेगा। अब तक तो PTI जीत चुकी होगी भाई। रात भी नहीं, रात तक तो मैं जागता हुआ देख रहा था। कोई फजर के टाइम जो असल वोटिंग स्टार्ट हुई है तब पलटा है सारा कुछ। 4 टाइम PM पार्टिसिपेट इन ओनली 3 इलेक्शंस इन द लास्ट 25 years and won every time। विद धांधली ये लिखना लाजमी था। 50 years इन पॉलिटिक्स स्टिल रेलिवेंट, स्टिल 50 साल हो गए हैं, स्टिल एक ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ पे आप अपना इलाज करवा सको। सो या ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर किसी की मदद से। तो गाइज़ यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करनी है कि डिस्कॉर्ड में हमने मीम डीबी वाला सेक्शन बंद किया हुआ था कुछ रीजंस की वजह से, वो अब हमने दोबारा ओपन कर दिया है। तो अब आप लोग जाके अपनी सारी की सारी मीम्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वो वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ रात 12 बजे के बाद बंद हो जाया करेगा और सुबह को दोबारा ओपन हो जाया करेगा। यानी कि सुबह से लेकर रात तक आप सारी मीम्स उसके अंदर भेज सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्कॉर्ड का, ज्वाइन कर लो और मीम्स भेजो। इवन शैतान टेक्स लेसन व्हेन ज़रदारी साहब डूइंग पॉलिटिक्स। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने कब कहा कि मैं उससे बात करूंगा? तो आप किससे बात करेंगे? हाँ, वो इंडिपेंडेंट जो आएंगे उनसे बात करेंगे। इस बंदे से बड़ा पॉलिटिशियन ही है पाकिस्तान में। मतलब ऑफ कोर्स डर्टी पॉलिटिक्स बट प्रो है भाई ये बंदा। इसको पता है भाई कैसे। अच्छा अब क्या चाहिए? सीटें चाहिए, अभी तोड़ लेते हैं इनको। किसान था, इसके 3 बेटे थे जो हर वक्त लड़ते रहते थे। किसान ने एक दिन उनको सबक सिखाने का फैसला किया। उसने अपने नौकर को बुलाया और इलेक्शन करवाने का कहा। फिर उसने अपने बेटों को बुलाया और इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाने का कहा। सब ने अकेले जीतकर हुकूमत बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम हो गए। बाप ने कहा अब मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करो। सब ने मिलकर कोशिश की और हुकूमत बन गई। अखलाकी सबक में नाइस वन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये शख्स हमें बुफे का कह के लेके आया यहाँ पे। ये शख्स बुफे का कह के लेके आया। विक्ट्री स्पीच ये लुटा है। हम तो वैसे आए देखने के लिए आए, गंजे को देखने के लिए आए, क्लीन स्वीप को नजर ही नहीं आ रहा। ये सारे चोर हैं। इमरान खान इतनी धांधला करके भी ना हार रहे हैं। ये जीत सकते हैं भले इमरान खान से, खुद बताए। ये लो, ये इनको खुश करने के लिए पहनी हुई है। अब यही हो रहा है। पहले लोग लैपटॉप ले लेते थे, वोट भी देते थे, बिरयानी खाते थे, वोट देते थे। अब लोग पैसे लेते थे, वोट देते। अब लोग ये सब कुछ लेते हैं लेकिन वोट जाके खान को डाल देते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। पाकिस्तान का फ्यूचर पॉलिटिशियंस नहीं, वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है। भाई देखो, मुझे बॉलीवुड से हमेशा से मसला है लेकिन ये बात अभी तक वैलिड है। बिल्कुल एकदम फैक्ट्स, 100% फैक्ट्स। मरना तेरे को डर नहीं लगता। नून लीग जस्ट ड्रॉप देयर न्यू एंथम एंड नो वे दे गो ट्रेलिस फॉर इमरान खान इन रोब्लॉक्स। भाई क्या चीज है यार। रिजल्ट्स में डिले क्यों आ रहा है? आपको भी पता है और हमें भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबको पता है कि क्या है। और हमें पता तो कि यार को पता नहीं करना। हमें ये भी पता है, उनको भी पता है कि क्या है। हाँ। सिर्फ हम सबको नहीं पता है। क्या आपको पता है कि हमें पता है? पता तो सबको है, पता सबको है, सबके सामने भी है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, हम दोनों को भी पता है कि हम दोनों को एक दूसरे को पता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आफ्टर मीटिंग विद आसिफ अली जरदारी। भाई उसने तो नहला देना है पैसों से। पाकिस्तान में मौजूद इकलौता गैंडा तन्हाई के बायस बीमार हो गया। गैंडे ने खाना पीना छोड़ दिया। लाहौर चिड़ियाघर में गैंडे की देखभाल। खा तो रहा है भाई। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जो पिछले 3-4 दिनों में हुआ, क्या तुम लोगों ने उसको एंजॉय किया, कैसे देख रहे हो तुम सब लोग। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और तुम्हें क्या लग रहा है कि भाई किसकी गवर्नमेंट बनने वाली है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।